स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अंबर फ्रॉम फादर सिस्टम भूटान से। स्टूडेंट्स, मेरा आज केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 में मौजूद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? बेटा नाइन क्लास में अगर पढ़ा भी होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डायरेक्टिविटीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन और उनसे हासिल शुदा अखज शुदा उत्पाद का मुताला है, उनके डायरेक्टिविटीज से हासिल होने वाले कंपाउंड्स का। बेटा स्टूडेंट्स, जब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स कंसिडर्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन को मिश्रित कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको मीथेन का मॉलिक्यूल दिखाया, इसका मतलब फार्मूला CH2 है, जो एक कार्बन एटम और चार हाइड्रोजन एटम पर मिश्रित है। सो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। बट स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर डायरेक्टिविटीज और इनसे अशुदा मरकबा। In which commonly carbon is essential constituent, जिसमें कार्बन जो है एक लाजमी जुज के तौर पर मौजूद होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एलिमेंट का होना बहुत जरूरी होता है, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसको मैंने एग्जांपल में वाज़ह किया दोबारा से, CH4 के अपना स्ट्रक्चर फार्मूला है मीथेन का। कार्बन चारों हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए जुड़ा हुआ है। सो दिस इज कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स में अगर हम चले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं और इसके अलावा और भी अशिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं जो आप अपनी बुक में मजीद पढ़ोगे। बेटा एक और टर्म मेरे पास मौजूद है, वाटर फोर्स थ्योरी। वाटर फोर्स थ्योरी क्या होती है? बेटा वाटर फोर्स थ्योरी से क्या मुराद है? 19th सेंचुरी स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस ने इस थ्योरी को पेश किया। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे वर सपोज टू बी सेंसिटाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स। क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक पुसरा कुदरत के तहत तैयार किया जाता है, यानी उनको बनाया जाता है, एक पुसरा कुदरत के तहत उनके बनते हैं। सो बेटा जो वाटर फोर्स है वो जो पुसरात मत है, सॉरी जो मिस्टीरियस फोर्स है उसे हम वाटर फोर्स कहते हैं, विच इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदारों में पाई जाती है। सो बेटा नेक्स्ट हमारे टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूले की कितनी किस्म होती है? बेटा देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूले की चार किस्म होती है। बेटा पहला है मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट जाहिर करता है एक्चुअल नंबर असल तादाद को ऑफ एटम्स एटम्स की इन वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल मौजूद ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के। जैसे कि बेटा मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटेन, व्हिच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल है। एक तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल है। दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूलर फार्मूला से यह पता चलता है कि कार्बन एटम की असल तादाद 4 है और हाइड्रोजन एटम की तादाद 10 है, यानी ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन के एटम्स की तादाद 4 होगी और हाइड्रोजन एटम की तादाद 10 होगी। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं चलता हूं इसमें अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंट जाहिर करता है एग्जैक्ट अरेंजमेंट दुरुस्त तरतीब को ऑफ डिफरेंट एटम्स मुख्तलिफ एटम्स की ऑफ वेरियस एलिमेंट्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के इन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में मौजूद ऑफ सब्सटेंस एक शेयर के। मींस किसी भी शेयर के एक मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स के एटम्स की असल तादाद को जाहिर करने वाला जो फार्मूला है उसे स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। बट यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर फार्मूला जाहिर किया है नॉर्मल ब्यूटेन का। कार्बन के एटम्स में 4 है, 1 2 3 4, और उसके बाद इसमें जो हाइड्रोजन एटम की तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां पर
नॉर्मल ब्यूटेन पे स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाएगा। यहां पर कार्बन एटम्स के जो 10 के 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं उस कार्बन के साथ चार कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर अगर किसी स्ट्रक्चर को ब्यूटेन के स्ट्रक्चर फार्मूला के यूनिट जाहिर कर सकते हैं, यहां पर तीन कार्बन एटम स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं और बाकी जो इनके साथ चौथा कार्बन एटम है वो यहां पर ब्रांच चेन में जुड़ा हुआ है और इसका ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला का नाम है आइसोब्यूटेन। स्ट्रेट चेन में जो चारों कार्बन एटम जुड़े हुए हैं इसी वजह से ब्यूटेन के नाम को ब्यूटेन के इस वर्ग फार्मूले को नाम देंगे उस स्ट्रक्चर फार्मूले को नॉर्मल ब्यूटेन का। यहां पर जो चौथा कार्बन एटम है वो ब्रांच चेन में जुड़ा हुआ है इसलिए इस स्ट्रक्चर फार्मूले को नाम देंगे आइसोब्यूटेन का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है? व्हिच इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स जो एटम्स की ग्रुप की निशानदेही करता है जॉइन टुगेदर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं क्लीच कार्बन एटम हर कार्बन एटम के साथ इन अ स्ट्रेट चेन एक सीधी चेन में और ब्रांच चेन है ब्रांच चेन में। बेटा यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन के फार्मूले में अगर हम देखें यहाँ पर चारों के चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं आपस में और हर कार्बन एटम के साथ एटम्स ग्रुप अटैच है यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन के तीन एटम ग्रुप की शक्ल में अटैच है, कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम ग्रुप की शक्ल में अटैच है, सिमिलर यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन के दो एटम ग्रुप की शक्ल में अटैच है और इसी तरह इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन के तीनों एटम ग्रुप की शक्ल में अटैच है। सो दिस इज द कंडेंस फार्मूला। ये था स्ट्रेट चेन के और यहाँ पर अगर हम देखें ब्यूटेन का एक और मैंने कंडेंस फार्मूला दिखाया है जिसे हम आइसोब्यूटेन कह रहे हैं। यहाँ पर तीनों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लेकिन चौथा कार्बन एटम ब्रांच चेन में इसलिए ब्यूटेन का जो नाम बनेगा जो उसके नाम के को नाम देंगे आइसोब्यूटेन का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट और ग्लास फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट और ग्लास फार्मूला क्या होता है? व्हिच शोस द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जाहिर करता है बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के। बड़े यहां पर मैंने एक एग्जांपल से इसको वाजे किया है नॉर्मल प्रोपेन के जब तीन कार्बन एटम अटैच हुए हैं यू नो दैट कार्बन का आउटरमोस्ट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके पहले चेन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे में चार होते हैं। तो बेटा मेरे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, नो दैट सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। मैंने इस कार्बन के लिए चार इलेक्ट्रॉन शो कर दिए 1 2 3 एंड चौथा जो है ग्लास शो कर दिया। सेम अदर इस कार्बन के लिए भी मैंने चार इलेक्ट्रॉन शो किए 1 2 3 4। सेम अदर इस तरह इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 जाहिर किए। नो दैट बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उस आउटरमोस्ट शेल में। सो मैंने इस हाइड्रोजन के साथ मैंने ग्लास से एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया, यहां पर इसका भी ग्लास से इसका भी ग्लास से सिमिलर इस हाइड्रोजन से ग्लास शो कर दिया, इसके साथ भी ग्लास कर सिमिलर इस तरह इस ग्लास का इसके साथ भी ग्लास और इस हाइड्रोजन इस ग्लास का। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? यू नो दैट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट को हासिल करना चाहते हैं। सो कार्बन अपना यहां से अपने एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, सिमिलर दैट कार्बन यहां से अपने एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, कार्बन यहां से अपने एक इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। शेयर करने पर कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 4 6 8 और यू नो दैट जब भी दो एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करते हैं तो उनके शेयरिंग से नतीजा बनने वाले बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन का जो है ट्रिपल भी पूरा हो जाएगा शेयरिंग करते हुए, क्योंकि हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने आउटरमोस्ट शेल में करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। शेयरिंग पर हाइड्रोजन के भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, अपने ट्रिपल को पूरा कर लेगा। इस तरह तमाम कार्बन एटम अपने कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करके अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर लेंगे और हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करके अपना ड्यूप्लेट को मुकम्मल कर लेगा। तो बेटा इस सेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्यूप्लेट को जाहिर किया है। ये तो मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक साथ में हम आज होंगे इंशाल्लाह।